आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। अशोक कुमार जी को पूरी फिल्म इंडस्ट्री दादा मुनि कहती थी, यानी बड़ा भाई। और इसकी वजह ये थी कि वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। और मैं आपको बताऊं, दादा मुनि डॉक्टर भी थे, होम्योपैथी के डॉक्टर थे और मरीज भी थे। उन्हें अस्थमा था, सांस बहुत जल्दी फूल जाती थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे। और यही वजह थी कि जब मैंने उनसे कहा कि आप हमें गाना सुनाइए, तो वो गाने लगे और फिर रुकते ही नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको रोका। मुझे आपकी एक फिल्म याद आ रही है, आशीर्वाद, जिसमें वो गाना था रेलगाड़ी। गाना नहीं था, हाँ, पोएट्री थी, रिदमिक पोएट्री। उसे आजकल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, रैप सॉन्ग। तो वो थी, वो उस वक्त लोगों को उतनी पसंद नहीं आई थी। अब लोग गाने लगे उसको पसंद बहुत आते हैं। रदमुनि, अब दिल दिल चाहता आपका गाने को वैसा? मैं चाहता, मैं सुनाऊं जरा सा? हाँ, आपकी सांस इजाजत देगी? देखता हूँ, देखता हूँ कहाँ रुकता है। देखो, कुछ रुकेगा तो मैं रोक दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए, आप इंजन और मैं गार्ड। हरी झंडी, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पीछे वाले स्टेशन बोले रुक, धाक भाक लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, झुक झुक, फुलाएश आती, पार्कर जाती, बालू रेत। ट्रेन जब चलती सब दिखता है ना, फुलाएश आती, पार्कर जाती, बालू रेत, आलू के खेत, बाजरा धान, बुढ़ा किसान, हरा मैदान, मंदिर मकान, चाय की दुकान और पुल पगडंडी, टीले पर झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झोपड़ी झाड़ी, खेती बाड़ी, बादल धुआं, मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचा, धोबी का घाट, मंगल की हाट, गांव में मेला, भीड़ झमेला, टूटी दीवार, टूटू सवार। रुक, दादा मुनि, आप बस, वरना मैं आपको इतना थकाने के लिए थोड़ी आई हूं। मैं थक सकूंगा नहीं। लेकिन देखिए हुजूर, इसी को कहते हैं एवरग्रीन। आज भी ये गाना ऐसे गा दिया, जय हो। दादा मुनि, आखिर में मुझे ये बता दीजिए कि मैं आपको कैसी लगती हूँ? देखो, तुमसे जब मुलाकात हुई, ऐसी चीजें तुमने सुना, मालूम होता तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत खूबसूरत लिखने वाली हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे इंसान हो। हाय हाय, आओ पास आ गई। अब मैं इससे अच्छा और इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा कुछ हो, तुम जरा थोड़ा सा खाना कम करो। तो देखा आपने अशोक कुमार जी को, हमारे प्यारे दादा मुनि को। इसीलिए तो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज और करते रहिए सब्सक्राइब।